इस वक्त झरिया पुरुलिया मुख्य मार्ग के समीप हूँ। ये अमलाबाद ओपी क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। आप देख सकते हैं ये मुख्य मार्ग जो है, यहाँ कल लगातार गुरुवार से जो लगातार बारिश हो रही थी उसके कारण यहाँ भूदशान हो गया है। अभी आवागमन पूरी तरह से ठप है। अभी इसकी भराई की जा रही है। भराई किसके द्वारा की जा रही है? एनएच के द्वारा की जा रही है या बीसीएल के द्वारा की जा रही है? मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहूँगा कि भराई किसके द्वारा की जा रही है। सर क्या नाम है आपका? दिलीप ओझा। दिलीप जी, ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सा रोड है? ये रोड है NH 218। ये पश्चिम बंगाल से आपको झारखंड के बॉर्डर होते हुए आपको धनबाद तक जाती है। ये साहेबगंज हाँ, क्या हुआ? तक ये हुआ, अधिक बारिश होने के वजह से ये धसान हुआ। कब? कल हुआ, कल लास्ट नाइट को। ठीक है, तो धसान होने के बाद जैसे ही हम लोग को सूचना मिला, स्थानीय प्रशासन तत्परता के साथ यहाँ रहे, अमलाबाद गोपी प्रभारी और यहाँ के जो समाज सेवक है साधन महाता बंशीधर ठाकुर वगैरह वगैरह सारे लोग यहाँ सहयोग में आए। और आने के बाद एनएच के अफसर को फ़ोन किया गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन किया गया, सीओ साहब भी आए और साथ साथ बीसीएल के अधिकारी भी यहाँ पहुँचे। लेकिन बीसीएल के अधिकारी अभी तक आश्वासन दिए हुए हैं अपने तरफ से कि वो भी हम भेज रहे हैं। उस उपरांत अभी तत्काल जो काम हो रहा है एनएच के द्वारा काम किया जा रहा है। पब्लिक को कष्ट को देखते हुए सारे लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं सारे लोग मदद कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के सहयोग से एनएच के। कैसे ये हुआ, ये किसकी लापरवाही हुई? बीसीएल की लापरवाही है या एनएच की लापरवाही? नहीं नहीं, लापरवाही किसी की नहीं है, ये प्राकृतिक कारणों से हुआ। प्राकृतिक जो पानी हुआ, इसके नीचे से पानी बहाव होता था, बरसों से पानी बहता था। ये जो पानी का जो बहाव है आज का नहीं है, 1970 से चल रहा है पानी का बहाव। इसमें वो पानी का बहाव के वजह से ये धसान हुआ। बड़ी घटना घट सकती थी, घट सकती थी, लेकिन ये स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से उसको टाला गया। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से अभी फिलहाल भराई की जा रही है। इसमें एनएच का सहयोग है और ये अभी बीसीएल के अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ उनके द्वारा आश्वासन मिला है। ये हमारे साथ और भी स्थानीय। सर क्या नाम हुआ आपका? सतीश चंद्र रजक। ये कौन सा मुख्य मार्ग है? ये चंदनकारी टाटा उड़ीसा ये तमाम जो है बिहार सारे जो है जोड़ती है। ये 218 कब, ये क्या हुआ? ये तो जो है भूदशान हुआ है। कब? अभी सवेरे। सवेरे हुआ? हाँ, बड़ी घटना घट सकती थी। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही सभी लोग जो है, इसमें जो काम हो रहा था पहले यहाँ पे तो बीसीसीएल या सेल चला रही है ना, तो वो कोयला तो निकाली होगी, कभी कभी तो कंपनी चला है सीता नाला, तो उस टाइम का ही गोप है ये। और ये पानी चल रहा है, इसका नाला इस जगह पे जोड़ने का भी है, और निश्चित तौर पर जो है भूदशान उसी के चलते हुआ है। जब नीचे खाली रहेगा तो ऑटोमेटिकली होगा। बीसीएल की लापरवाही से हुई? बीसीसीएल थी ही नहीं उस टाइम में, ये सेल को चला गया है। अच्छा, अभी किसके द्वारा भराई की जा रही है? ये तो अभी एनएच के द्वारा भराई की जा रही है। यहाँ का जनता जो है इसमें रोष में आया कि भाई इसको जो है जल्द से जल्द भरवाई करें, अदरवाइज जो है हम लोग को जाने आने के लिए आवागमन पूरी तरह बंद है। एकदम बंद है, टोटल गाड़ियां देख रहे हैं आप जो है, आवागमन पूरी तरह बंद है। और स्थानीय और एनएच के द्वारा ये भराई की जा रही है। हमारे साथ इस क्षेत्र के लगे हैं मुखिया जी हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बंशीधर ठाकुर। मुखिया जी, आप कौन सा क्षेत्र के मुखिया हैं? शिवबाबुरी पंचायत के। ये कौन सा मुख्य मार्ग है? ये आपको टाटा से आपको धनबाद, देवघर, रांची, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये मुख्य सड़क है जो मरने सारे ही जोड़ती है। तो ये कब घटा, ये गोप जो हुआ कब हुआ? ये गोप मान लीजिए आज सुबह हुआ है। बड़ी घटना घट सकती है? बहुत बड़ा घटना घट सकती है, इसमें बहुत ही बड़ा घटना। तो इसकी लापरवाही आप मानते हैं? ये लापरवाही देखिए प्राकृतिक दुर्योग भी है, और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कंपनी के टाइम में जब ये रोड नहीं बनी थी तो अब उसमें हो सकता है उसमें मान लीजिए माइनिंग हुआ है, ये सब हम लोग नहीं जानते थे। बाद में वो सब जब रोड हुआ, जब गोप आ गया तो घस गया। ये प्राकृतिक दुर्योग भी मानिए बहुत बड़ा। इसकी भराई किसके द्वारा की जा रही है? ये अभी एनएच के द्वारा और स्थानीय लोग का खुद सहयोग से हम किया जा रहा है। पुल पर लिखा हुआ भारी वाहनों का आना आवागमन इधर से बंद है, बावजूद इसके आप देखते होंगे कि भारी वाहन इधर से क्रॉस करती रहती है, तो किसकी? देखिए सर, जिला प्रशासन क्यों? देखिए बिरसा ब्रिज बहुत अच्छा ब्रिज बना था, 1980 में इसका लास्ट हुआ था। तो हम लोग का जो डेको कंपनी है, डेको कंपनी द्वारा भारी वाहन चला के ये पुल का 100 साल जो मतलब टाइम था वो मतलब पार ही कर दिया है। मतलब बहुत ही मतलब डेको कंपनी इतना बड़ा इसमें खराब किया है पुल को, जो इसको मतलब बहुत ही। तो ये जो गोप है उसमें भी उसकी ये है सम्मिलित कि वो काय की इधर से भारी वाहन वो भी इधर से डेको देखिए भी मान लीजिए यहाँ पर
भराई किया है। दूसरी बात है कि मान लीजिए भारी वाहन जो मतलब 50 टन 60 टन 70 जो रोड का कैपेसिटी है, रोड से कैपेसिटी से भी ज्यादा इसमें वाहन चलता है। प्रशासन क्यों नहीं रोकता? प्रशासन कुछ नहीं रोकता, कुछ नहीं रोकता। मैं आपको बता दूं कि बिरसा पुल जो है, बिरसा पुल की स्थिति काफी जर्जर है और उस पर लिखा हुआ है भारी वाहनों का आवागमन बंद है। बावजूद इसके उधर सुदामडी थाना और इधर अमलाबाद थाना ये इस पर ध्यान नहीं देती है कि इस पर भारी वाहनों का आवागमन ना करने दिया जाए। तो आज जो ये घटना घटी तो उसमें उसकी भी लापरवाही मान सकते हैं कि अगर जिला प्रशासन भारी वाहनों का आवागमन अगर बंद कर देती तो शायद ये घटना नहीं घटती। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।